नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है रजनी जी, और रजनी जी पुणे में रहते हैं और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं, कितना फॉलो करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल हम उनसे जानना चाहेंगे। तो रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? नमस्कार जर्ना जी, कैसे हो हाँ जी। जैसे जर्ना जी ने बताया कि मैं जो न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जानती हूँ या हेल्थ रिलेटेड जो भी मुझे पता है, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, बांटूंगी। और ये शुरुआत मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगी बैकग्राउंड में कि कहाँ से ये मेरा सिस्टम शुरू हुआ। हुआ था ये 2012 से, मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी, हुई काफी सालों पहले से, लेकिन 2012 एक बोलते हैं ना रेड अलर्ट आना, अलार्म बजना शुरू हो गया था लाइफ में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इतना भयंकर हो चुका था कि टेनिस एल्बो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो पहले मैंने इग्नोर करना शुरू किया था, लेकिन 2012 ऐसा समय था कि जहां पे इसको नकारा नहीं जा सकता था, और डॉक्टर ने ऑप्शंस स्टीरॉयड इंजेक्शंस की यहाँ पे गर्दन पे और शोल्डर पे लहने का यही मार्ग बताया था, और कोई उपचार मेरे लिए बचा नहीं था एलोपैथी के मुताबिक। लेकिन मैं पहले से थोड़ी सी दवाइयों से दूर रहती थी और चाहती थी कि मैं दवाइयों में और इंजेक्शंस में ना पड़ूं, तो वो पहले से चाहत थी। तो मैंने डॉक्टर से कुछ समय मांगा था कि मैं सोच के वापस आऊंगी। ये समय लेने के दरम्यान यूं कहिए कि मेरी प्रार्थना काम कर गई, या कुदरत पहले से चाहती थी तो इसलिए शायद वो निर्माण हुआ, वो समय ऐसा आया मेरे लिए। तो मुझे अंदर से ही प्रेरणा मिली कि मैं मेडिटेशन करती थी, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं योग करूं, योग में जाऊं। तो उसी समय आपके गुरु चौहान जी थे, वो रॉ डाइट सिस्टम का बहुत प्रचार करते थे और हमें उनका उसी समय पे मिलता था प्रचार का, जो उनकी किताबें थी वो सब मिलती थी। तो मुझे लगा ये सब मुझे कहीं ना कहीं से कुदरत इशारे दे रही है कि मुझे ये सब करना चाहिए। तो पहले शुरुआत मैंने की योग से, क्योंकि मेरी शारीरिक कंडीशन ऐसी थी कि मुझे खुद को पहले ठीक करना था, क्योंकि हाथ पानी में, जस्ट नॉर्मल पानी भी अगर छू जाए हाथ को तो उतना दर्द यहाँ से लेके नस तक खींचता था कि वो असह्य था। तो ये चीज इतनी भयंकर हो चुकी थी। तो मैंने पहले योग शुरू किया, ध्यान पहले से करती थी, फिर योग में आई, तो योग के आसनों के द्वारा और उसकी प्राणायामों के द्वारा मेरी स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। और उसके साथ योग में भी डाइट का बहुत ही महत्व बताते थे कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपका डाइट बहुत महत्वपूर्ण है, और रेशियो हमें बताया जाता था कि अगर 70% आपका डाइट है ना, तो 30% सिर्फ आपकी एक्सरसाइज है, यानी रेशियो डाइट का हाई था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब डाइट भी इग्नोर करना उचित नहीं है। तो मैं वहीं से मेरी जर्नी डाइट की ओर बढ़ी, और मैंने शुरू शुरू में चौहान जी का डाइट अपनाना शुरू किया। कहते हैं सालों से जब हम एक रूटीन में आ जाते हैं तो इजी नहीं होता है रूटीन को ब्रेक करना और अचानक से कच्चे भोजन पे आना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए फिर बीच का रास्ता अपनाया, इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होता है कि आप मिनिमम 8 घंटे पेट को खाली रखें, कुछ भी ना खाएं ना पिएं। तो ये 8 घंटे से लेके आप बढ़ाते जाएं 16 घंटे, 20 घंटे और 22 घंटे, इस प्रकार 22 घंटे तक का होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो मैंने शुरुआत वहां से की 2014 में, फिर मैंने योग पढ़ना भी शुरू किया और इंटरमीडिएट में भी फॉलो करना शुरू किया। तो इस समय पे योग में पढ़ते पढ़ते भी वही पता चला कि हमारे शास्त्रों में तो ये पहले से ही लिखा हुआ था कि सूर्य उदय के साथ आपका शरीर चलना चाहिए,
सूर्य अस्त के साथ आपकी भोजन प्रक्रिया से लेके आपका पाचन तंत्र को आराम देने के लिए सब बंद हो जाना चाहिए। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैं और भी आश्चर्य हो गई कि ये तो सब पहले से था, हम ही शायद इतने वो नहीं हो रहे थे एक्टिव कि हम पढ़ें कि हमारे ये ग्रंथ क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं। फिर उस समय वही चीज मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गई कि मैं सूर्य के साथ चलना शुरू कर दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं सूर्य देव के साथ ही मेरी लाइफस्टाइल को सेट करूंगी। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। सुबह में मैं 12 से 1 बजे तक कुछ भी भोजन ना लेना, ये मेरा फास्टिंग हो गया था। और शाम को 5 से 6 बजे के बीच डिनर कैसे भी करके आपका रात्रि भोजन हो जाना चाहिए, ऐसा मैंने नियम कर लिया था। यानी कि सूर्यास्त के बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट मोड में चला जाता था, उसे बिल्कुल भी खाना नहीं देना था। तो ये प्रक्रिया शुरू मैंने कर, शुरू में 1.5 साल दिक्कत हुई क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल से लेके अचानक से डिसिप्लिन में आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट कैसे भी करके कुदरत का भी साथ था और शरीर की भी डिमांड थी, तो मानसिक रूप से मन टारगेटेड था और हो गया। और जैसे जैसे 1.5 साल बीत गया फिर तो मेरे लिए ये रूटीन बन गया, इतना अच्छा रूटीन कि अगर कोई पार्टी में बुलाए तो अच्छा नहीं लगता था कि अगर पार्टी में जाएंगे तो उनको कंपनी देना पड़ेगा और उनके कहने पे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो ये चीजें अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो उससे मेरी सोशल लाइफ भी बहुत लिमिटेड होने लगी। तो ये मेरे लिए ये भी प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि जितनी सोशल लाइफ कम हुई उतना भटकने का मेरा मार्ग कम होते गए। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन हो गई और उससे मैं परनिंदा से भी बच गई। कहते हैं ना, ज्यादा घूमेंगे ज्यादा फिरेंगे तो गॉसिपिंग बढ़ेगा, और आपकी जो, क्योंकि हम मेडिटेशन में थे तो वो भी हम चाहते थे कि वो भी थोड़ा कम हो जाए। यानी फास्टिंग शारीरिक मानसिक दोनों ही जरूरी था, तो मेरे लिए वो भी हो गया कि मानसिक फास्टिंग भी शुरू हो गया कि सोशल मेरा कम हो गया तो रिश्ते थोड़े कम हो गए, और मेरा मेंटल फास्टिंग भी शुरू हो गया क्योंकि कचरा अंदर जाता ही नहीं था दिमाग में। तो उससे मेरा, मैंने देखा कि मेरी ऊर्जा और बढ़ रही है, माना कि अगर मैं 16 घंटे तक नहीं भी खाती हूँ या नहीं भी पीती हूँ तो मेरे शरीर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती थी, और उसके साथ साथ मेरी शारीरिक सुंदरता बढ़ने लगी थी जो पहले नहीं थी। और मेरे बाल झड़ना, स्किन डल हो जाना, तेज ना रहना, ये सब हो गया था। तो ये भी मुझे प्लस पॉइंट मिलने लगे इस डाइट से और इस लाइफस्टाइल से। तो फिर तो मुझे ये और भी अच्छा लगने लगा कि ये तो हर तरह से मुझे सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक भी ऐसा माइनस पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं इसे छोड़ूं या इसके लिए कुछ और रास्ता चुन के ये ना करूं, ऐसा कुछ लगता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे वर्ष बीतते गए तो और भी मतलब मेरा वेट लॉस से लेके हर चीज मेरी अलाइनमेंट में आने लगी इस डिसिप्लिन के कारण। फिर 2014 में जिस तरह से मैंने पढ़ना शुरू किया योग को, तो अंदर से मुझे ये भी प्रेरणा हुई कि मेरे जैसे तो बहुत बीमार लोग होंगे जिन्हें इन सब ज्ञान की और चीजों की जरूरत है। तब हमने योग का प्रचार शुरू किया और इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि आप भोजन को एक ही समय लें, उसके अलावा अपनी सिस्टम को लॉक कर दे, यानी कि आपने 2 आवर्स की विंडो या 4 आवर्स की विंडो डाइजेस्टिव सिस्टम की भोजन के लिए खोली है। यानी अगर आपने 12-1 बजे भोजन लिया है तो उसके 2 से 3 घंटे के बीच में आपको जो भी भोजन करना है वही करके सिस्टम को क्लोज कर देना है। तो मेरे केस में मैं 1 बजे खाती थी और शाम को 4-5 बजे के बाद वापस डिनर कर लेना, तो यही 4 घंटे का गैप हमने विंडो का ओपन रखा था। उससे जो रिजल्ट्स आने लगे थे, डिजीजेस दूर होने लगे, मुझे पाइल्स भी था, कॉन्स्टिपेशन के कारण मुझे पाइल्स था, सी सेक्शन हुआ था तो वेट गेन हो गया था, उसके अलावा मुझे कमर दर्द रहता था, स्पाइन मेरी कभी भी स्ट्रेट, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी, इसके अलावा मुझे सर्वाइकल तो था ही और माइग्रेन भी था, बहुत हद तक माइग्रेन इतना था कि मुझे 5-5 दिन तक माइग्रेन ट्रिगर रहता था तो बंद ही नहीं होता था। उसके कारण स्वभाव भी चिड़चिड़ा होना, किसी के साथ अनचाहा व्यवहार करना हो गया था। तो
तो ये सब बीमारियां मेरी अपने आप दूर होने लगी बिना कोई दवाइयों के। तो ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग था कि यही मुझे लोगों तक पहुंचाना है और शायद यही हमारा सेवा का भाव होना चाहिए था। तो वो मेरा जागा, तो उस समय मुझे लगा कि आज से मैं खुद योग पढ़ूंगी और आगे पढ़ूंगी और लोगों को भी ये ज्ञान दूंगी। तो योग जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें भी मुझे पता चला कि ये तो काफी मॉडिफाइड योग है। मॉडिफाइड योग यानी कि जो ऋषि मुनियों ने दिया है वैसा योग तो हम कर ही नहीं रहे हैं आज के युग में। तो हमें उससे भी डाइट के साथ साथ इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी था कि जैसे डाइट हमारा मॉडिफाई हो गया समय जाते जाते कि कहाँ हम रॉ फूड खाते थे, खुद का भोजन उगाते थे, हर चीज हमारी क्वालिटी की होती थी, तो मॉडिफाई करते करते वो भोजन ऑर्गेनिक से दूषित हो गया। तो वो चीज योग में भी होने लगी थी। तो वहीं से मुझे ये भी सुझाव आया कि ये चीज हमें राइट वे में लोगों तक पहुंचाना है और इसमें हमें कहीं ना कहीं खुद को पहले उतारना पड़ेगा डिसिप्लिन में, तब हम जाके लोगों को ये समझा पाएंगे। तो मैंने खुद पे पहले इम्प्लीमेंट किया, फिर मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं योग में उनसे मैंने शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया। क्या सिर्फ योग करने से उनकी स्वास्थ्य ठीक होती थी, ये पहले मैंने रिसर्च करा। तो मुझे उससे पता चला कि 20% to 30% रिजल्ट सिर्फ आपको योग से मिलता है, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल डाइट से लेके दिनचर्या चेंज नहीं की तो उन्हें बाकी के 70% 80% रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ फिर से मुझे ये लगा कि अब डाइट के बिना अगर हम योग किसी को देते हैं तो वो उनको इतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी डाइट का भी हमें प्रचार करना है। तब जर्ना जी आप हमारे सामने आए और हमने आपको आमंत्रित किया हमारे स्वयोग में, जहां आप आए और 3 दिन तक लोगों को आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी के साथ साथ हमारा प्रचार शुरू होता गया और हम योग के साथ साथ लोगों को डाइट का भी प्रचार करने लगे। और यहाँ पे मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि देखिए शॉर्टकट्स मत अपनाइए, ना ही आप ऐसे कोई मॉडिफाइड कोई चीजें ढूंढे जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक ऑथेंटिक डाइट और ऑथेंटिक योग का अपनाइए। और योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, योग की शुरुआत ही यम नियम से होती है। तो आपके यम नियम अगर आपने जीवन में नहीं उतारे हैं और आप सीधा आसन, कोई भी आजकल इतनी एडवर्टाइज आती है क्लासेस की योग की, तो हम भटक जाते हैं कि एरियल योगा करना है, ये योगा करना है, वो योगा करना है, लेकिन जब तक आपने सीधा साधा यम नियम नहीं फॉलो किया है कितने भी योग करें आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये थी मेरी जर्नी। जी आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। चलो पहले हमें पता नहीं था तो हम कुछ भी कर रहे थे, दवाई खा रहे थे या फिर हम परेशान हो रहे थे, लेकिन फाइनली आपको ईश्वर की प्रेरणा से ये सिस्टम मिल गई। और सिस्टम तो रजनी जी हम लाखों लोगों को बताते हैं, फ्री में बताते हैं, लेकिन वो खाली वीडियो देख के अगर बंद कर देंगे तो फायदा नहीं होगा। वो अपने आप के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है और वो एक दिन नहीं पूरा लगातार 1 महीना 1 साल या फिर लाइफस्टाइल तक ये करना पड़ता है, तब जाके ये सिस्टम में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। रजनी जी आपने एक बात बताई कि पहले आपका वजन थोड़ा ज्यादा था और फिर ये सिस्टम में आके आपका जो शरीर है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया, तो टोटली वेट लॉस कितना हुआ? मेरा 13 kg वेट लॉस हुआ। मैं 60 की हो गई थी और मेरा 48 पे मेरा वेट लॉस आया, तो मेरा 12 से 13 किलो वजन कम हुआ था सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग से ही। तो यहाँ मैं लोगों को ये भी कहूंगी, इतना भ्रमित भी मत रहिएगा कि आपको भूखा रहना है या आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप सिर्फ दिन में एक समय भोजन लीजिए और दूसरा समय कच्चा भोजन या जूस या फ्रूट्स पे रहिए। तो जितना आप हो सकेगा पहले बॉडी को धीरे धीरे ट्रेन करना है कि कैसे हमें कुक्ड फूड की लिमिटेशन क्वांटिटी को कम करना है और अपनी जो रॉ फूड की इंटेक है वो हमें ज्यादा बढ़ानी है, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस में नहीं है। हम एक नया प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं कुक फूड का,
जबकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रॉ फूड के लिए है, तो उसकी मैकेनिज्म ही वैसी है और उसे हम कुक्ड फूड देते हैं, तो बहुत सा ऐसा फूड है जो अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, आंतों में जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमें ये बीमारियां दिखने शुरू होती है। सबसे पहले आपको गैस होना, आपको हल्की हल्की एसिडिटी होना, ये सब पहले इंडिकेशंस आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होना। पर हम लोग क्या जीभ के स्वाद के पीछे या बोले कि टेस्ट बज हमारे इतने हाई हो गए हैं कि हम लोग उसमें ही खो जाते हैं कि जो भोजन में टेस्ट नहीं है वो भोजन हम फालतू समझते हैं। जबकि हमारे सभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए, यानी आपकी जीभ का स्वाद आपके वश में नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थी है। तो उससे भी मुझे थोड़ी समझ आई थी कि मुझे कुक फूड कम करना है, इसीलिए मैंने ये इंटरमीडिएट फास्टिंग से शुरू किया था कि एकदम से फूड को छोड़ना भी नहीं था और एकदम से अपनी लाइफस्टाइल को जीरो से स्टार्ट करना भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मध्य मार्ग है जो सब अपना सकते हैं, किसी को इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि वो नहीं कर सकते। यहाँ कई मेरे पास भी ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें डायबिटीज होता है, वो कहते हैं हम कैसे भूखे रह सकते हैं 12-1 बजे तक, हमें तो ये बीमारी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक मैं चाय ना पीऊं तब तक तो मुझे सरदर्द हो जाता है, मैं आगे के काम नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि इतने सालों की गंदगी जो आपने आदत बना ली वो आप तोड़ोगे तो उसको कुछ समय लगता है, जैसे मुझे 1.5 साल लगा था इस डाइट को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने में, लेकिन मन मक्कम था, गोल फोकस्ड था तो हो ही गया। आज अगर आप मुझे सुबह सुबह चाय ऑफर करोगे या खाना ऑफर करोगे तो कभी मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है सुबह सुबह खाना और सुबह सुबह चाय पीना। यहाँ तक कि मेरा जल व्रत भी हो जाता है, निर्जला हो जाता है, क्योंकि मुझे 12-1 बजे तक यदि पानी भी ना दिया जाए तो चल जाता है। तो उससे कई लोगों को ये भी प्रश्न होता था फिर हमारी स्किन डल हो जाएगी, बाल ऐसे हो जाएंगे, तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि मेरे तौलते इम्प्रूव ही हुआ है। यहाँ पे अभी मैं ऐसे भी कहूंगी कुछ उम्र के बाद जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब आपकी एजिंग हो रही है और यदि आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो आप मानेंगे नहीं कि 10 ईयर्स आप यंगर दिखना शुरू हो जाते हैं इस डाइट से। तो ये मैं सबको बोलूंगी कि ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि ऐसा कोई भोजन करने से हम वीक हो जाते हैं या हमारी ब्यूटी चली जाती है। जी रजनी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया क्योंकि आपने खुद ने ये सिस्टम को फॉलो किया है। और दूसरी बात कहेंगे कि आपने चाय की बात कही तो हमारी जो सिस्टम है उसमें हम ये बोलते हैं कि दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट का पूरी लाइफ में से त्याग करना है, तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव होगा वो बताइए। इसके लिए पहले चरना जी मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि इस समय जब आप मुझे मिली थी तब मैं सच में कहती हूँ कि मैं 20% मिल्क प्रोडक्ट्स लेती थी, यानी कि मिठाई के रूप में, ना कि दूध और इसके रूप में। तो कभी कभी दही और मिठाई, बस इसके अलावा मेरे लाइफ में डेयरी प्रोडक्ट है ही नहीं। पर मुझे अध्यात्म में जब से मैं आई थी और मेडिटेशन में 2005 से कर रही थी, तो जैसे 2012 में मैं योग में इंट्रोड्यूस हुई उसी समय मुझे अनोइंगली कहें कि मुझे अंदर से प्राणियों के लिए भाव जाग रहा था। अपने आप अश्रु आ जाते थे कि कैसे हम टॉर्चर करते हैं इन प्राणियों को और कैसे हम उन लोगों को इतनी तकलीफ दे के हम अपने सुख के लिए उनका शोषण करके वो चीज ले रहे हैं। तो अध्यात्म में हमें ये समझाया भी गया है कि आपका ये आज के दौर में हम सब देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, या खुद आप बहुत चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो, तो इसका आध्यात्म में यही उत्तर था कि जब आप शोषण किया हुआ भोजन आप लेते हैं तो उनकी जो वेदना होती है, जो उनका पेन होता है, वो आप अपने भोजन में ले रहे हो और वो पेन कहीं ना कहीं आपको बीमारी के रूप में या आपके स्वभाव के रूप में वो उभर के निकलता है। तो मुझे ये भी था कि हम प्राणियों को इतना कष्ट दे के जो इतना दूध लेते हैं, इतना उनका शोषण करके, मैं तो मांसाहारी नहीं हूं लेकिन जो लोग हैं उनको भी मैं देखती हूँ तो वो लोग भोजन पहले से करते थे, तो उसके कारण भी मुझे ऐसा लगता था कि
ये शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। तो तब मैंने ये सब छोड़ा था, दूध चाय। दूध तो वैसे भी मैं बचपन से इतना लेती नहीं थी, लेकिन चाय का थोड़ा था तो वो भी मैंने काफी बंद करके कट कर दिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया। लेकिन जब मैं आपसे मिली तो मुझे वापस वो अलार्म बजा, क्या मैं सच में एनिमल्स के लिए प्रेम रखती हूँ या भाव रखती हूँ या सिर्फ मेरा ये दिखावा है। तो तब आपने थोड़ा सा वो मुझे अंदर से झंझोर दिया और मैंने उस समय से मिठाई खाना छोड़ दिया, क्योंकि मिठाइयों में 90% मिठाइयां दूध से बनती हैं और वो मैंने बंद कर दी। बहुत अच्छी बात है। दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट का जब हम त्याग करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी लाइफ में से 50% हम ठीक हो गए, 50% तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हर एक इंसान को ऐसी आदत होती है कि भाई चलो माँ का दूध पूरा हो गया, अब गाय का दूध लेना चालू करो, भैंस का दूध लेना चालू करो, बकरी का दूध लेते हैं, अभी तो जो है वो कैमल का दूध ला रहे हैं, अभी जो है वो शिप का दूध ला रहे हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इंसान के दिमाग में ये आना चाहिए कि डॉग का भी दूध अच्छा होता है, क्योंकि डॉगी को तो जो है वो 8-8 बच्चे आ जाते हैं, तो इंसान अगर सोचेगा कि इसके पास तो कितना सारा दूध होगा कि 8 बच्चे दूध पी रहे हैं, तो चलो भाई डॉगी को ही उठा ले अगर, और या तो फिर कोई ऐसे भ्रम में ऐसा वीडियो बना दे कि भाई डॉग के दूध से कैंसर ठीक हो जाता है। अगर खाली ऐसी कोई बात फैला देना तो रजनी जी मेरा ऐसा मानना है कि सारे जो डॉगी है ना उनका दूध भी इंसान पीने लगेगा। तो इंसान जो है वो खुद अपनी सोच को नहीं इस्तेमाल करता है कि अधर मधर, दूसरे की माँ का दूध हम पिएंगे तो हमें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाप लगेगा और उससे सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही आती है। तो आज से जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो मैं हाथ जोड़ के नम्र विनंती करूंगी कि जैसे रजनी जी ने ये बात बिल्कुल ठान ली, पकड़ लिया, दूध की प्रोडक्ट छोड़ दी, वैसे आप जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में वीडियो देख रहे हैं वो सारे सारे वेगनिज्म को अपनाएं और एनिमल को सेव रखें और उनको बिल्कुल उनका शोषण नहीं होने दे, तो ही हमारा समाज जो है वो ज्यादा स्वस्थ रह पाएगा। रजनी जी एक बात हमारी सिस्टम में मेन है कि हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करना यानी कि एनिमा करना, तो आप एनिमा को कितना महत्व देते हो और एनिमा से क्या लाभ होता है वो कुछ बताइए जी। एनिमा का इम्पोर्टेंस योग में भी है, योग में भी हमें एनिमा हमारे पेशेंट्स को स्टूडेंट्स को करवाना होता है। तो ऐसा ये मैं सबको कहना चाहूंगी कि एनिमा कोई खराब चीज नहीं है, या एक्सटर्नल आप सोचोगे कि हम कुछ एक्सटर्नल हमारे बॉडी में डाल रहे हैं और हमारी प्रकृति को छेड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रकृति को छेड़ चुके हो। आपके डाइजेशन सिस्टम में ऑलरेडी मल मूत्र इतने सालों से आपने गंदगी जमा करी हुई है, तो उसको निकालने का मार्ग हमारे ऋषि मुनियों ने दिया कि आप एनिमा करें, क्योंकि योग में हमारे ऋषि मुनि अपने पूरे अंत अंगों को इतना साफ रखते थे कि वो युगो युगो तक हमने उनका प्रचार सुना है कि वो जीवन उनका लंबा भी होता था, निरोगी भी होता था। तो उसी को हम अगर मद्देनजर रखते हुए आज के दौर में सबको इस प्रकार समझाएं कि जितने सालों से आपने अन्न खाना शुरू किया है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया है, बेकरी आइटम्स लेना शुरू किया है, तब से आपका इंटेस्टाइन एक लेयर बन चुकी होती है, थिक लेयर मल की, जो कम से कम आप अगर वेट लॉस की जर्नी में जाओगे तो 2 से 7 किलो आपका मल ही निकलेगा। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि शुरू शुरू में कभी भी आपका फैट लॉस नहीं होता, शुरू शुरू में आपकी अंदर की जमी हुई जो गंदगी टॉक्सिन्स है वो ही निकलते हैं, चाहे वो वाटर फैट हो, चाहे वो मलमूत्र के माध्यम से हो, चाहे वो स्वेट के माध्यम से हो। ये पहले आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, बाद में ही वो आपके फैट पे काम करता है। तो यदि आप समझ चुके हैं कि इतना मल ऑलरेडी आपके शरीर में जमा है, तो उस मल को निकालने के लिए आपको एनिमा लेना पड़ेगा। अगर आप घर पे ले रहे हैं तो प्लेन वाटर का लें, लेकिन अगर आप घर पे नहीं ले रहे हैं और कोई संस्था में जा रहे हैं
तो वो आपको मेडिकेटेड एनीमा भी देते हैं, जैसे त्रिफला का होता है, कई सारे औषधियों का होता है। इसीलिए देना पड़ता है कि जैसे आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो। आप ऐसा उदाहरण समझें कि यदि आपके घर में एक पाइप ब्लॉकेज है, तो आपके पास दो ही उपचार होता है, या तो उस पाइप को खोल के अंदर से एक वायर डाल के वो पूरी गंदगी निकालते हैं, या फिर वो लोग ऊपर से पानी का हाई डोज वाला पानी का पाइप लगा के उसको जोर से पानी से साफ करते हैं। तो यही चीज हमें करनी है अपने अंदर की सफाई के लिए, कि बाहर से हमने एक पाइप डाला पानी वाला, वही पानी वाला पाइप जमे हुए मल को पहले लूज करेगा और फिर उसको मार्ग देगा निकलने के लिए। तो ये सिंपल साइंस है और हमारे योग में इसका बहुत महत्व है, और हम टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं, यदि आप आपका भोजन पका हुआ बेकरी प्रोडक्ट्स है तो आपको जरूर से इसे लेना ही लेना है, कोई और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जी, आपने अपने शरीर पे जब एनीमा किया तो आपको क्या महसूस हुआ और आपके शरीर में कितना बदलाव आया? जी, हमने दोनों ही प्रक्रिया की है, शंख प्रक्षालन जो योग में ऊपर से सफाई करने का होता है, और जो एनीमा होता है, दोनों ही किया है। और मैं दोनों में यही कहूंगी कि देखिए, जब आप लेते हैं तो शुरू शुरू में आपको अनकंफर्टेबल होता है, अंदर प्रवाह जब जाता है, जैसे ही वो प्रवाह जाता है आपको बार बार ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझसे कुछ निकल रहा है, कभी कभी वो कॉल फेक भी होती है। लेकिन जब आपका प्रॉपर प्रेशर बन जाता है और आप एनिमा लेने के बाद आपकी मल मूत्र की जो त्याग करने का प्रक्रिया शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि शुरू शुरू में आपका मल का जो टेंडेंसी था वो अलग था। जैसे जैसे आप नियम से लेते हैं तो आपकी मल की टेंडेंसी बहुत अलग हो जाती है, और ये हम योग में करवा के उन्हें दिखाते हैं, शंख प्रक्षालन में भी और एनिमा में भी। जब तक आपका मल मूत्र पानी की तरह शुद्ध नहीं निकलता है, तब तक यदि आप अपने इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हो तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते हो। हाँ, उसके बाद हल्का सा जो पहली बार लेते हैं उन्हें हल्का हल्का वीकनेस लगता है, क्योंकि मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत लगता है। लेकिन एक आध बार में जब वो प्रक्रिया समझ जाते हैं, डर उनका दूर हो जाता है, फिर कोई तकलीफ नहीं होती। रजनी जी, आपने जो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जो आपको 2012 के साल में थे, तो वो तो सारे चले गए हैं, लेकिन एक बार फिर से एक बार दोहरा दीजिए कि आज की तारीख में आपकी कोई मेडिसिन चल रही है कि आप बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हो? जी, मैं तब भी मेडिसिन पे नहीं थी और आज भी नहीं हूँ। तब भी मैंने प्रण किया था कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, इसीलिए मैंने ये मार्ग अपनाया था। और आज भी मैं मेडिसिन पे नहीं हूँ, ना मुझे अब माइग्रेन है, ना मुझे अब पाइल्स है, ना मुझे अब कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये हैंड टू हैंड है कि योगा और डाइट दोनों साथ में मिलाते हैं तो आपका हेल्थ 100% अच्छा रहता है। उसके साथ अगर आपने मेडिटेशन ऐड कर दिया तो आपने अपने जीवन को पार लगा दिया, ये मेरा अनुभव है। और यहाँ जर्ना जी, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे दूध का आपने इतना प्रचार किया, यहाँ कई लोगों को ये तर्क वितर्क के प्रश्न करने के लिए आते हैं कि कृष्ण भगवान के समय में सब लोग माखन खाते थे, दूध खाते थे, तो यहाँ मैं सबको ये मैसेज दूंगी, देखिए कृष्ण भगवान का काल समय युग पहले तो अलग था, और दूसरी बात कि वहां पे जब वो गायों का पालन करते थे तो वो युग ऐसा था कि हर घर में खुद की गायें होती थी, खुद वो प्यार से भाव से उनका कहते हैं ना, माँ उनके उस समय गौ माता खुद अपना दूध उनको देती थी। ऐसा नहीं था कि वो टॉर्चर करके मशीनें लगा के लेते थे। और उस युग को कंपेयर आप इस युग में ना करिएगा, क्योंकि उस युग में जीवन शैली अलग थी, इस युग की जीवन शैली अलग है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों को मैसेज, और यहाँ मैं सबको कहूंगी कि आप अगर योग से भी जुड़ना चाहते हैं तो स्वयोग हमारा यूट्यूब पे भी है, हमारे ग्रुप्स भी हैं। और जर्ना जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, निस्वार्थ भाव से जो ये प्रचार आप लोगों तक पहुंचा रही है, इससे आप नकारे नहीं, कुदरत का मैसेज समझे, यूं समझे कि भगवान कोई ना कोई रूप में तो आता ही है, तो ये रूप उन्होंने चुना है कहने के लिए कि अब का युग ये है कि भोजन प्रक्रिया बदलें, लाइफस्टाइल बदलें। थैंक यू जर्मन जी।
जी रजनी जी, आपने इतना अच्छा संदेशा दिया, आपने पूरा अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, आपने वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन को साबित कर दिया कि दवाई रहित भी दुनिया हो सकती है। बाकी तो अगर आपने यही बीमारी में अगर आप हॉस्पिटल में जाते तो लाखों रुपए का खर्चा हो जाता और उसकी इतनी सारी साइड इफेक्ट होती कि आप इतने शांति से जो अभी जवाब दे रहे हो वो आपके दिमाग में इतनी शांति नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन होती तो दिमाग जो है वो अलग हमारा बिहेव करता है। लेकिन आपके चेहरे पे इतनी शांति, आपकी आवाज में इतनी शांति है, धीरज, सब कुछ दिख रहा है। तो ये सारा का सारा योग, आपका योग और आप ये डाइट आपने फॉलो किया उसकी वजह से है। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को भी अगर एनिमा के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए या तो फिर हमारे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी ढेर सारी वीडियो जो है ये यूट्यूब पे है। तो और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने अपना अनुभव बताया, इसलिए रजनी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको और भी कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए या एनिमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर अगर मिलना है हमें तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप हमें मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।